अच्छा एक चीज़ और कल मैच है तुम भी रिटर्न में कर दो यार इनकी भी हो रही है ओके सो हाउ इंटरेस्टिंग और बोरिंग द रेड कार्पेट इज आई गेस रेड कार्पेट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ चैनल इन फैक्ट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस सो दैट इज आई एम वेरी हैप्पी ओके क्या प्रिपरेशन की थी आज प्रिपरेशन बहुत भागदौड़ी की थी बहुत ज्यादा भागदौड़ी की थी ड्रेस सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे थे मेरे कभी ब्लैक कभी रेड एंड फाइनली आई एम गेटिंग समथिंग सिल्वर एंड आई एम हैप्पी कि आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड पीपल लाइक्ड इट एंड आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन इट सो यस थैंक यू फर्स्टली रेड कार्पेट्स कितने बोरिंग या कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ये बताइए आई थिंक रेड कार्पेट्स आर नॉट सो फन बट मैं जाती नहीं हूँ पर्सनली या समटाइम्स बोरिंग एंड समटाइम्स डिपेंड कि हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ कहाँ और फंक्शन एग्जैक्टली ओके क्या पहन रखा है आज क्या प्लानिंग थी यार मेरा बहुत ही क्लासी सा और मेरा फेवरेट कलर है लास्ट मिनट थैंक यू और What about you? मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक में जाऊंगी तो दिस इज अ किड स्टाइल ड्रेस दैट मैंने अपनी मॉम की पुरानी साड़ी से बनाई है सो आई थॉट दैट वाज गुड आई गॉट माय हील्स एज वेल एज जस्ट सॉर्ट ऑफ डूइंग मेकअप टुडे ओके थैंक यू नेक्स्ट विद हूम जूते मैंने भी देखे पूरा कोर्स है बाबू पूरा कोर्स है सस्ते में आते हैं सस्ते में आया कब से खड़े थे क्या कहेंगे आप उनके ड्रेस के बारे में कुछ तो कह दो आई लव इट लाइक आई थिंक सो ऑलवेज मेक्स एन एफर्ट जैसे कि हम पहुंचने वाले होते हैं 9 बजे के करीब हमारे से बात होती है 9 बजे हम पहुंच जाते हैं